एमएम आलम रोड पर वाके प्लासे में पुरस्कार आफ्तजद की। प्लासे में मौजूद अफराद में भगदड़ मच गई। दम घुटने पर लोगों की बालकोनियों में आकर बचाने के लिए दुहाइयां। रस्सियों से नीचे उतरने की कोशिश में एक शख्स गिरकर जान बहक, सात शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वजीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। अली टावर में आतिशजदगी, एलडीए प्लाजा की याद ताजा हो गई। जान बचाने के लिए रस्सी से लटकने वाला इमरान नीचे गिरकर जान गंवा बैठा। गिरने वाले शख्स की फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। खौफनाक आतिशजदगी से हर तरफ खौफ फैल गया। तहखाने में लगने वाली आग प्लाजे की बलाई मंजिलों तक जा पहुंच गई। आतिशजदगी के इतला पर इंतजामिया की दौड़े लग गई। सात गाड़ियों, रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड अमले ने दो घंटे बाद आग पर काबू पाया। प्लाजा शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान का है। प्लाजे में दफातर हैं, हो सकता है कोई रिकॉर्ड जलाने की साजिश हो। आग क्यों और कैसे लगी, मामले की मुकम्मल तहकीकात कराएंगे। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान, रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पाया, वाकये की मुकम्मल तहकीकात करेंगे। डीसी लाहौर, आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। डीआईजी ऑपरेशन की मीडिया से गुफ्तगू। इंतजामिया की गफलत या लापरवाही, स्टेट लाइफ सोसाइटी का माह में ड्रेन की सफाई के दौरान दम घुटने से तीन मजदूर जा बहक। मरने वालों में इमरान शाह, शहजाद और बूटा शामिल। गैस, बिजली, खाद की मदों में उनकी कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया है। शहबाज शरीफ का धांधली की तहकीकात के लिए फौरी पार्लियामानी कमीशन बनाने का मुतालबा। हमने लोड शेडिंग खत्म की, अब क्यों हो रही है, खान साहब जवाब दें। अवाम दुश्मन पॉलिसियों का डटकर मुकाबला होगा। डैम बनाने के लिए फंड इकट्ठा करने की बजाय सरमायाकारों को दावत दें। इमरान नियाजी वोटों की नहीं धांधली की पैदावार हैं। शहबाज शरीफ की एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई कैबिनेट के इजलास में अहम फैसले, विपाक की तरह पंजाब से भी इजाफी गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। अफसरान के पास गाड़ियों का तायुन करने के लिए सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की कयादत में कमेटी कायम। साबिक हुकूमत के अवामी मफाक के मंसूबे मुकम्मल करने की हिदायत। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की मुकम्मल छानबीन का फैसला। वजीर इत्तला फयासुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ ने गुड गवर्नेंस के नाम पर अंधेर मचाया। जिस मंसूबे में बदनवानी नजर आई अब आपके सामने लाएंगे। इमरान खान की कयादत में आवाम का पैसा आवाम पर ही लगेगा। हमने खर्चा कम करने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। जब लीडर सच्चा और ईमानदार हो तो आवाम भी टैक्स देगी। नेक कामों में अपना हिस्सा डालने के लिए हर शख्स तैयार है। वीफा की वजीर तालीम शफकत महमूद का मुस्तफा टाउन में तकरीब से खिताब। आवाम में सफाई का शऊर बेदार करने के लिए मुहिम चलाई जाए। प्लास्टिक और दीगर अशिया के डिस्पोजल के लिए मुख्तलिफ रंगों की टोकरियां इस्तेमाल करें। कंपनीज के जेर समात मामलात की समात के बाद उनके मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अफसरान से इजलास में गुफ्तगू। 35 अरब रुपए के खसारे और कंपनीज के निजाम पर सीनियर वजीर का इजहार तशवीश। शाहबाग में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का मामला। वरासा का लाश प्रेस क्लब के बाहर रखकर एहतजाज, शदीद नारेबाजी, धरना दिए रखा। एसपी सिटी के मुजाहिरीन से मुजाकिरात, तहकीकात में इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी। मुजाहिरीन ने एहतजाज मुअख्खर कर दिया। मुजाहिरीन के बायस शिमला पहाड़ी के अतराफ में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। यू
यूसी 71 अक्रम पार्क में सीवरेज सिस्टम खराब, अहले इलाका सड़कों पर आ गए। खवातीन भी सरापा एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरीन ने टायर्स को आग लगाकर रोड ब्लॉक कर दी। बंद रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, दो घंटे तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। दुल्हा मियां भी ट्रैफिक जाम में फंस गए। रास्ता देने के लिए मुजाहरीन की मिन्नत समाजत। डैम जिंदगी मौत का मसाला है, रिटायरमेंट के बाद डैम पर पहरा दूंगा, झोंपड़ी बनाकर रहना पड़ा तो भी रहूंगा। चीफ जस्टिस की सहाफियों से गुफ्तगू। अखुवत एनजीओ का डैम फंड में 1 करोड़ रुपए का अतिया। मैसेज फाउंडेशन का डैम फंड में 1 अरब रुपए जमा कराने का ऐलान। डैम बनाओ मुहिम, पाकिस्तानियों के दिल खोल कर अतिया। सुप्रीम कोर्ट का एकदम पूरे मुल्क की आवाज बन गया। सुबह वजीर चौधरी जहीरुद्दीन का डैम फंड में $1,000 जमा कराने का ऐलान। कुल मसालिक उल्मा बोर्ड भी पेश। डैम्स के लिए पीएम फंड में 10 लाख रुपए अतिये का ऐलान। पाकिस्तान रेलवे भी डैम्स फंड में हिस्सा डालने को तैयार। वजीर रेलवे का सालाना 10 करोड़ रुपए डैम फंड्स में देने का ऐलान। रेलवे सी पैक और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, एक साल में तमाम खसारा खत्म कर देंगे। शेख रशीद अहमद की मीडिया ब्रीफिंग। रेलवे हेडक्वार्टर्स में इजलास की सदारत। रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट और घोष्ट मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। सरजीबेट में दौरान जदगी, डॉक्टर्स की गफलत से खातून की हलाकत का मामला। चीफ जस्टिस के हुक्म पर सुबह वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद अदालत में पेश। निजी अस्पतालों को खुली छुट्टी नहीं देंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत का आला सतह की कमेटी तश्कील देने का हुक्म। 10 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करेंगे। यास्मिन राशिद की पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। एलडीए सिटी में 9 अरब 17 करोड़ रुपए की करप्शन का केस। नैब प्रोसिक्यूटर एहतसाब अदालत को कायल करने में नाकाम। आहद चीमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, वापस जेल भेज दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का गुटखा फ्री मिलावट फ्री पंजाब मिशन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पकड़ा गया 50 लाख रुपए मालती गुटखा तल्फ कर दिया गया। मारूफ ब्रांड्स की जाली बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री पर भी छापा। 10,000 जाली बोतलें तल्फ, 4,000 एनर्जी कैन भी बरामद। 1,128 उम्मीदवार पास होने वाले, सिर्फ 8। एडिशनल सेशन जज के तहरीरी इम्तिहानात के हैरान कुन नतायज आ गए। तहरीरी इम्तिहान में 100 खवातीन भी शामिल, एक भी पास ना हो सकी। नतायज का ऐलान चीफ जस्टिस यावर अली ने किया। डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक की जेर सदारत मुहर्रम उल हराम के हवाले से इजलास। लाइसेंस होल्डर्स ने मसाइल से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर की पानी की फराहमी, वॉक थ्रू गेट्स का इंतजाम करने और तजावुजात खत्म करने की हिदायत। आलमी फर्स्ट एड डे की मुनासबत से रेस्क्यू 1122 की जानिब से LOS में तकरीब। अहलकारों का अमली सलाहियतों का मुजाहरा। DG रेस्क्यू रिजवान नसीर का कहना है कि हादसात में फौरी फर्स्ट एड मिल जाए तो काफी जानें बचाई जा सकती हैं। और अमरीकी काउंसिल जनरल पंजाबी सकाफत की मदाह निकली। पंजाबी फिल्म पेशी गुजराती की शूटिंग देखने और एवेन्यू स्टूडियो पहुंच गए।